पर्यटन प्रेमियों को देश व दुनिया भर के पर्यटन स्थलों की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल्स एग्जीबिशन प्रारंभ हो गया है। 26 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लोक निर्माण विभाग नागपुर के मुख्य अभियंता उल्लास देपड़वार के हाथों किया गया। प्रदर्शनी दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र सिविल लाइन्स में आयोजित की गई है। इस मौके पर राजस्थान टूरिज्म के अतिरिक्त संचालक संजय पांडे, डेस्टिनेशन कनाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कालवास, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल्स एग्जीबिशन के व्यवस्थापक संचालक अनुराग गुप्ता के साथ ही अन्य अतिथि भी उपस्थित थे। ये जो पर्यटन एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है, तो इस एग्जीबिशन का मेन उद्देश्य ये है कि जो पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों के जो पर्यटक उत्पाद हैं, टूरिज्म प्रोडक्ट हैं, उन सबको लोग दिखाएं। तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने भी यहाँ पे इस बड़े जो ट्रैवल एग्जीबिशन है उसमें भाग लेकर के हमारी प्रयास ये है कि जो भी राजस्थान के बहुत आकर्षक टूरिज्म प्रोडक्ट हैं उन सबको दिखाएं और नागपुर में जो जनता और आवाम है और ट्रैवल ट्रेड है उसको हमारे प्रोडक्टों की जानकारी दें। मुख्य उद्देश्य इस में भाग लेने का ये है कि हम लोगों को जानकारी दें कि हमारे पास क्या है, राजस्थान की तरफ उनको आकर्षित करें। महाराष्ट्र से जो निवासी हैं वो काफ़ी संख्या में राजस्थान आते भी हैं, राजस्थान के लोग भी यहाँ नागपुर में और महाराष्ट्र के अन्य जगहों में रहते हैं, काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के निवासी लोग राजस्थान भ्रमण के लिए आए, घूमें फिरें और आनंद लें। 3 दिनों तक सुबह 11 से 8 बजे तक नागरिक एग्जीबिशन का आनंद उठा ले सकते हैं। इस मौके पर देवड़वा ने सभी को शुभकामनाएं दी और नागपुर वासियों से एग्जीबिशन में आने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर राजस्थान टूरिज्म के संजय पांडे ने राजस्थान टूरिज्म पर एक वीडियो प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों, होटल, रिसोर्ट्स और पर्यटन से संबंधित सेवा क्षेत्रों के टूर ऑपरेटरों की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा पर्यटन उद्योगों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी मार्गदर्शन मिल सकेगा। आयोजकों ने बताया कि एक ही छत के नीचे पर्यटन क्षेत्रों के संबंध में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही सामान्य नागरिकों में पर्यटन के संबंध में जागरूकता पैदा करना भी प्रदर्शनी का हेतु है। IIT की प्रदर्शनी में भारत सरकार के पर्यटन विभाग के साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन, केरल पर्यटन विभाग, जम्मू कश्मीर टूरिज्म विभाग भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, टूरिज्म के हिसाब से अच्छा सीजन रहेगा 2020। हमारा ये ख्याल है कि बहुत बढ़िया रहेगा और आज के डेट में कम से कम 40% जो हमारा इंटरनेट सर्विस था, ब्रॉडबैंड वगैरह था, वो आ गया। अभी और 60% आने वाला है। तो अभी हम तो कश्मीर से आए हैं ये इवेंट करने के लिए और प्रमोशन जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि लोगों को जब पता चलेगा कि यहाँ कश्मीर से लोग आए हैं, इट इज़ सेफर नाउ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो दिन ब दिन अच्छा ही होगा कश्मीर के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं हमारे नागपुर से, नागपुर से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं कश्मीर देखने के लिए। अभी विंटर का सीज़न हमारा है, बर्फ़ का है। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है J&K का, वो प्रमोशन करता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भारत ट्रैवल्स पॉइंट, सोना ट्रैवल्स, केसरी टूर्स, तथास्तु हॉलीडेज, मैंगो हॉलीडेज, आइडियल टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्रैवल्स दरबार, हॉलीडे होम, प्रकाश टूर्स एंड ट्रैवल्स, थॉमस कुक, मेक माई ट्रिप, भारत ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, ट्रैवल टूर्स, विदर्भ टाइगर टूरिज्म, ट्रैवल अनलिमिटेड, अजूरे टूर्स एडवाइजर, सफारी प्लस, CSE ऑलराउंडर, रेड हिल हॉलीडेज, डिलाइट ट्रिप, एबिक्स कैश ट्रैवल्स एंड हॉलीडेज, पैराडाइज विलेज बीच रिसोर्ट, करांडला फार्मर्स एंड रिसोर्ट्स, नेचर स्प्राउट्स, माहेश्वरी ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स आदि कंपनियों के स्टॉल्स के कारण प्रदर्शनी में विविधता आ गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।